हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद नोट्स आई एम योर एजुकेटर खुशी एंड आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज डिमांड फॉर मनी डिमांड फॉर मनी क्या होती है इसको हम आज डिटेल में समझेंगे और हम इसके फैक्टर्स भी करेंगे कि जो डिमांड फॉर मनी को इफेक्ट करते हैं जो भी फैक्टर्स होंगे वो या तो इससे पॉजिटिव रिलेटेड होंगे या फिर नेगेटिव रिलेटेड होंगे मतलब या तो इससे वो डायरेक्ट रिलेशन रखते होंगे या फिर इनवर्स रिलेशन रखते होंगे तो यहां पर हम डिमांड फॉर मनी को पहले समझते हैं कि डिमांड फॉर मनी का मतलब क्या है इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो डिमांड फॉर मनी का मतलब क्या है कि जो पैसे आप कैश में अपने पास रखना चाहते हो दैट इज बेसिकली डिमांड फॉर मनी कि पैसे की आप कितनी डिमांड करते हो जो आप अपने पास इन द फॉर्म ऑफ कैश होल्ड करना चाहते हो तो उसको हम बोलते हैं डिमांड फॉर मनी द क्वांटिटी ऑफ मनी डिमांडेड इन द इकॉनमी इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट पीपल वॉन्ट टू होल्ड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम क्या कहता है कि गिवन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर जो भी अमाउंट ऑफ मनी एक पर्सन या जो भी इकोनॉमी में रहने वाले लोग अपने पास होल्ड करके रखना चाहते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश तो उस अमाउंट को उस जो भी मनी की अमाउंट है उसको हम क्या बोलते हैं मनी डिमांडेड की क्वांटिटी बोलते हैं या इन शॉर्ट उसे हम डिमांड फॉर मनी बोलते हैं डिमांड फॉर मनी जो है वो एक रियल मनी डिमांड है रियल मनी डिमांड रेफर्स टू द होल्डिंग सम समचेजिंग पावर इन टर्म ऑफ कैश और चेकेबल डिपोजिट अब देखो क्या कहता है कि हमने कहा कि जो डिमांड फॉर मनी है वो एक रियल मनी डिमांड है रियल मनी डिमांड का भी यहां पे मतलब क्या है कि जब भी हम हमारी पर्चेजिंग पावर को होल्ड करके रखते हैं परचेजिंग पावर मतलब कि हमारे पास कुछ पैसे हैं जिसके थ्रू हम हमारी जो कुछ प्रोडक्ट्स को कुछ गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद सकते हैं दैट इज बेसिकली पर्चेजिंग पावर तो उस परचेजिंग पावर को हम होल्ड करके रख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश और इन of cash or चेकेबल डिपॉजिट्स अब कैश तो देखो बिल्कुल कैश है जो कि बिल्कुल लिक्विड नेचर का होता है उसके बाद चेकेबल डिपॉजिट चेकेबल डिपोजिट क्या होते हैं चेकेबल डिपॉजिट्स इज अ टेक्निकल टर्म जो ये टर्म है ये एक टेक्निकल टर्म है फॉर एनी डिमांड डिपॉजिट जो हम डीडी बनवाते हैं हमारे बैंक में हम डिमांड डिपॉजिट करवाते हैं तो उस बेसिस पे जब भी कोई डिमांड डिपॉजिट हम बनवाते हैं तो उसके अगेंस्ट कोई भी ड्राफ्ट लिखा जाता है तो उसको भी हम यहां पर रियल मनी डिमांड के अंदर लेते हैं तो रियल मनी डिमांड के अंदर हम बात करेंगे कि हमें परचेजिंग पावर को होल्ड करके रखना है किस टर्म में या तो हम उसे कैश की फॉर्म में होल्ड करेंगे क्योंकि ये बिल्कुल ही लिक्विड नेचर की होती है उसके बाद हमारे जो चेकेबल डिपोजिट है मतलब की हमारी जो डिमांड डिपोजिट होती है हमारी बैंक में उसका भी जो ड्राफ्ट है जो की रिटर्न फॉर्म में है तो उसको भी हम रियल मनी डिमांड के अंदर लेते हैं जो कि लिक्विड जो कैश के बाद आता है क्योंकि इस जो डिमांड डिपॉजिट होता है उसको हम बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं वी आर नॉट होल्डिंग मनी लाइक अ कॉमोडिटी कहते हैं कि जो पैसा होता है जो मनी है उसको हम कॉमोडिटी की तरह होल्ड करके नहीं रख सकते वी होल्ड मनी बिकॉज इट इज मोस्ट लिक्विड एसेट जैसे मैंने आपको भी बताया कि जो मनी uh, है जो कैश है या फिर हमारे जो चेकेबल डिपोजिट है उसको भी यहां पर मनी के अंदर इन्क्लूड किया गया क्योंकि उसको हम बहुत जल्दी लिक्विड एसेट में कन्वर्ट कर सकते हैं दैट मीन्स कैश में कन्वर्जन उसकी हो सकती है बहुत ही जल्दी जब भी हम चाहें हमारे जो डिमांड डिपोजिट होते हैं उसको हम विड्रॉ करवा सकते हैं दैट मीन्स बैंक में अमाउंट हमने डिपोजिट करवाई है उसको हम निकलवा सकते हैं तो ये लिक्विड नेचर की होती है लिक्विड एसेट्स होती है इट कैन बी यूज एज द परचेजिंग पावर दैट मीन्स जब भी हमें किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट है तो हम उस पैसे को यूज करके कोई भी प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं तो यहाँ पर जो पैसा है उसको हम यूज कर सकते हैं एज अ परचेजिंग पावर नेक्स्ट हमारी टर्म आती है डिराइव डिमांड डिराइव डिमांड क्या होती है इसको पढ़ेंगे लेकिन इससे पहले हम ये पढ़ लेंगे जो हमारा टॉपिक है दैट इज बेसिकली डिमांड फॉर मनी वो किस टाइप की डिमांड है तो वो डिराइव डिमांड है डिमांड फॉर मनी इज नॉट अ डायरेक्ट डिमांड ये डायरेक्ट डिमांड नहीं है बल्कि क्या है ये एक डिराइव्ड डिमांड है और अब डिराइव्ड डिमांड क्या होता है एनी थिंग विच इज नॉट नीडेड फॉर इट्स ओन मतलब कोई भी चीज जो खुद के लिए नहीं चाहिए है उसको हम क्या बोलते हैं वो एक फिनोमिना होता है किस चीज का डिराइव डिमांड का मतलब कि जब भी हमें कोई भी चीज खुद के लिए नहीं चाहिए से मतलब खुद के लिए नहीं चाहिए वो एक फिनोमिना किस चीज का है डिराइव्ड डिमांड का है अब जैसे हम एक टॉपिक कर रहे हैं डिमांड फॉर मनी ऐसे ही एक नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे जिसका नाम होगा सप्लाई ऑफ मनी अब हमने जो हमारी मार्केट फोर्सेस होती हैं दैट इज बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई अब हम किस चीज की मनी मार्केट की देख रहे हैं तो मनी मार्केट के अंदर मनी की डिमांड और मनी की सप्लाई जब एक दूसरे के इक्वल हो जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं इक्विलीरियम इक्वलीरियम मतलब जहां पर दो चीजें इक्वल आती है मनी मार्केट में मार्केट फोर्सेज की बात होगी और मार्केट फोर्सेज कौन सी होती है डिमांड एंड सप्लाई डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी जब दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगी या फिर जहां पर ये दोनों एक दूसरे को कट करती होंगी वहीं पर जो इक्विलीरियम है वो सेट हो जाता है अब हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं मनी सप्लाई का जनरली जो मनी सप्लाई है इकोनॉमी के अंदर ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज डिसाइडेड बाय द मॉनेटरी अथॉरिटीज लाइक आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके द्वारा ही जो हमारी मनी सप्लाई है उसको गवर्न किया जाता है या फिर एक तरीके से डिसाइड किया जाता है कि कितनी मनी की सप्लाई इकोनॉमी के अंदर होनी चाहिए

करेगा हमारी डिमांड फॉर मनी प्ले करती है तो यहाँ पर अकॉर्डिंगली डिमांड फॉर मनी बिकम द प्रिंसिपल डिटर्मिनेंट ऑफ मॉनिटरी इक्वलीरियम मतलब कि जब भी हमें इक्वलियरियम निकालना है मनी मार्केट का इक्वलीरियम निकालना है मोनिटरी इक्वलियरियम निकालना है तो मेन जो काम होगा जो मेन कंपोनेंट होगा मेन रोल जो प्ले करेगा वो करेगा डिमांड फॉर मनी अब ऐसे कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम पर्पज तो यहां पर क्या क्वेश्चन आता है दैट इज डिटर्मिनेट्स ऑफ डिमांड फॉर मनी कि डिमांड फॉर मनी के लिए ऐसे कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स है या फिर ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो इफेक्ट करते हैं यही इफेक्ट करते हैं जिसकी वजह से हमारी जो मॉनेटरी जो इक्विलियम uh, है मनी मार्केट का सेट हो पाता है सो so, फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड फॉर मनी की मनी की डिमांड को इफेक्ट करने वाले ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं उनको हम पढ़ेंगे जिसका सेकेंड क्वेश्चन क्या होता है डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड फॉर मनी मनी के डिमांड के लिए कौन कौन से ऐसे डिटर्मिनेंट हैं तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट जो डिटर्मिनेंट है दैट इज वेल्थ ऑफ द कम्युनिटी अब इस टर्म को समझने की कोशिश करो वेल्थ ऑफ द कम्युनिटी वेल्थ ऑफ द कम्युनिटी मतलब की जो भी हमारी कम्युनिटी है हमारा जो समुदाय है या जो हम कह सकते हैं कि हमारा एक ग्रुप है तो हमारी जो कंट्री है वो हमारा एक ग्रुप है अब उस ग्रुप की हमारी कंट्री की वेल्थ कैसी है वो हमारी जो डिमांड फॉर मनी है उसको इफेक्ट करती है किस तरीके से इफेक्ट करेगी अगर हमारी जो कंट्री है वो रिच है वेल्थ की बात की जा रही है कि हमारी कंट्री या तो रिच uh, होगी या फिर वीकर सेक्शन में होगी अगर हमारी जो कंट्री है वो रिच है तो हमारी जो डिमांड फॉर मनी होगी वो भी ज्यादा होगी क्योंकि ज्यादा लोग ज्यादा लोग जो है वो रिच है अमीर लोग अपने पास पैसा ज्यादा रखते हैं तो यहां पर ये आएगा कि जितनी ज्यादा जो इकॉनमी होती है वो रिच होती है उतनी ही ज्यादा हमारी डिमांड फॉर मनी भी होती है एंड वाइस वर्सा मतलब कि जितने पुअर लोग हैं उनके पास उतने ही कम पैसे होंगे तो जितने पुअर लोग हैं उतने कम पैसे होंगे मतलब कि यहाँ पर एक पॉजिटिव रिलेशन शो हो रहा है कि अगर हमारी जो वेल्थ है वो ज्यादा है तो हम डिमांड फॉर मनी क्या करते हैं ज्यादा करते हैं और अगर हमारी वेल्थ कम है तो हमारी जो डिमांड फॉर मनी होगी वो कम होगी एक चीज बढ़ रही है दूसरी भी बढ़ रही है यहां पे एक चीज कम हो रही है तो दूसरी भी कम हो रही है तो इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द वेल्थ ऑफ द कंट्री एंड द डिमांड फॉर मनी लेकिन ये जो मैंने आपको एक सिचुएशन सिचुएशन बताई कि ये ये पॉजिटिव पॉजिटिव रहता है हर में नहीं रहता तो यहां पर क्रिटिसिज्म दी गई थी बाय टॉबिन एंड बुमोल दे गिव द व्यू दैट इट इज नॉट नेसेसरी दैट अ रिचर कंट्री हैव द ग्रेटर डिमांड फॉर द मनी ये क्या कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि जो रिच कंट्री है वो अपने पास ऐसे ज्यादा होल्ड करके रखे दे कैन होल्ड शॉर्ट टर्म बिल्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो रिचर सेक्शन होता है वो ये भी सोचता है कि हमारे पास पैसे हैं हम हमारी कैश अपने हाथ में रख के क्या करें वो क्या करते हैं कुछ शॉर्ट टर्म बिल्स या शॉर्ट टर्म जो सिक्योरिटीज होती हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें अपने पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं जिनसे उन्हें फ्यूचर रिटर्न भी मिलती है तो यहां पर क्रिटिसिजम किया टॉबिन एंड बोमल ने वो यही कहते हैं कि अगर एक जो कंट्री है वो रिच है जरूरी नहीं है कि वो अपने पास अपने पैसे को कैश की फॉर्म में रखें वो अपने पास सिक्योरिटीज को रख सकते हैं वो खरीद सकते हैं अपने पैसे से सिक्योरिटीज को शॉर्ट टर्म बिल्स को शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज को फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को मार्केट में वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कहता है कि हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट लोअर विल बी द डिमांड फॉर मनी क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होंगे तो यहाँ पर जितने भी लोगों के पास पैसा है वो क्या करेंगे अपने पैसे को बैंक के अंदर अकाउंट बनवा के उसमें रखेंगे जिससे उन्हें इंटरेस्ट मिलेगा क्योंकि उनके पास अगर पैसा पड़ा है इन द फॉर्म ऑफ कैश तो वो आइडल है बिल्कुल बेकार पड़ा है उनको उससे कोई भी रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रही है तो यहां पर इंटरेस्ट से वो अपनी अर्निंग कर सकते हैं तो यहां पर लोग अपने पास पैसा कम रखेंगे दैट मीन्स डिमांड फॉर मनी कम हो जाएगी आई रिपीट द कंसेप्ट अगर बैंक के रेट्स ज्यादा है दैट मीन्स अगर हम हमारे पैसे को बैंक में जमा करवाते हैं तो हमें उस उसपे इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है तो लोग अपने हाथ में कैश को रख के क्या करेंगे इस केस में वो क्या करेंगे अपना जो भी पैसा उनके पास इन कैश फॉर्म पड़ा है वो बैंक में डिपोजिट करवाएंगे और उससे इंटरेस्ट को जनरेट करेंगे जो कि उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा तो यहाँ पे क्या कहा गया है हायर द रेट ऑफ इंटरेस्ट लोअर विल बी द डिमांड फॉर मनी कि अगर हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ेगा तो हमारी डिमांड फॉर मनी क्या है रिड्यूस होगी इंस्टेड ऑफ होल्डिंग मनी इन कैश जो लोग है वो पैसे को कैश में रखने की बजाय क्या प्रेफर करेंगे कि वो अपने पैसे को बैंक में जमा करवा दे क्योंकि इससे उन्हें क्या है इंटरेस्ट जनरेट होगा एंड इसी सिचुएशन का अगर हम उल्टा कर ले बाईस वर्ष जैसे कि अगर हमारे जो इंटरेस्ट रेट है इंटरेस्ट रेट हमारे जो है वो कम हो जाए तो हम क्या करेंगे हमारे जो बैंक में पैसे पड़े हैं उसको हम क्या कर लेंगे विदड्रॉ करवा लेंगे अगर अब हमारे बैंक से विदड्रॉ करवा लिए हमने पैसे तो हमारी जो डिमांड फॉर मनी है वो क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी डिमांड फॉर मनी का यहां पर मतलब क्या है कि जो भी लोग हैं हमारी इकोनॉमी के अंदर उनके पास इन कैश फॉर्म उनके पास कितना पैसा है तो यहां पर पर हमारे जो इंटरेस्ट रेट है बैंक के वो कम हो जाते हैं अगर इंटरेस्ट रेट बैंक के कम हो जाते हैं तो लोग ये सोचते हैं कि इतने कम इंटरेस्ट रेट पे हम बैंक में पैसा क्यों रखें क्योंकि हमें इंटरेस्ट मिल नहीं रहा कम मिलता है तो इस बेसिस पे तो लोग होते हैं वो उस पैसे को वहां से निकलवा लेते हैं निकलवा लेते हैं तो उनके हाथ में पैसा ज्यादा हो जाता है जिसे हम डिमांड फॉर मनी बोलते हैं नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सपेक्टेड इनकम एक्सपेक्टेड इनकम मतलब फ्यूचर में होने वाली इनकम तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि अगर हमारी फ्यूचर में इनकम ज्यादा होगी और हमें ये लगता है कि हमें एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में हमारी इनकम ज्यादा होगी अगर हमारी फ्यूचर में इनकम ज्यादा होती है तो हम आज के टाइम में पैसे को कम होल्ड करना पसंद करेंगे क्योंकि हमें पता है कि आने वाले टाइम में हमें रिसिप्ट तो होने वाली है तो एट प्रेजेंट मतलब अगर हम बात करें कि प्रेजेंट में हमारे पास जो डिमांड फॉर मनी होगी वो कितनी होगी वो कम होगी ठीक है ऑन द कंट्रेरी अगर हमें पता है कि हमारे फ्यूचर में जो इनकम है वो कम जनरेट होगी तो हम आज क्या करेंगे प्रेजेंट में हम ये चाहेंगे कि हमारे पास सफिशियंट मनी हो कि हमें बार बार हमारे बैंक अकाउंट से विथड्रॉ ना करवाना पड़े तो हम हमारी जो मनी फॉर डिमांड है दैट मीन्स पैसे को हमारे पास होल्ड ज्यादा करके रखेंगे अगर हमें पता है फ्यूचर में हमारी इनकम कम होनी है तो यहां पे क्या कहते हैं इफ लार्ज इनकम रिसिप्ट अगर हमें लार्ज इनकम मिलती है फ्यूचर में मतलब कि फ्यूचर इनकम ज्यादा है आर एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर लेस मनी विल बी डिमांडेड इन द प्रेजेंट प्रेजेंट में जो मनी डिमांड है वो कम हो जाएगी ऑन द कंट्रेरी इफ लेस इनकम रिसिप्ट एक्सपेक्टेड फ्यूचर इनकम रिसिप्ट जो है वो कम है तो हम यहां पर जो मनी डिमांड होती है मोर मनी विल बी कैप्ट इन द फॉर्म ऑफ कैश तो मनी डिमांड जो होगी प्रेजेंट केस में वो ज्यादा होगी तो अगर हम इनका रिलेशन देखें तो फ्यूचर में अगर ये ज्यादा है तो इन प्रेजेंट ये कम है एक बढ़ रहा है एक कम हो रहा है दैट इज बेसिकली नेगेटिव एक कम हो रहा है और एक बढ़ रहे दैट इज बेसिकली कम अंडर द नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सपेक्टेड इनकम एंड द डिमांड फॉर मनी नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस चेंजेस से पिछले पॉइंट में हमारा एक्सपेक्टेशन था वो फ्यूचर से रिलेटेड था तो यहां पर भी जो एक्सपेक्टेशन है वो फ्यूचर से रिलेटेड है कि जो प्राइस चेंजेस होंगे फ्यूचर में वो कैसे होंगे या तो प्राइस बढ़ सकते हैं या प्राइस कम हो सकते हैं जो प्राइस चेंज चेंज मतलब या तो प्राइस बढ़ेगा या कम होगा तो फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेशन है कि हमारी जो भी कॉमोडिटी है कोई भी प्रोडक्ट है कोई गुड्स है सर्विसेज है कुछ भी है तो उनके प्राइस बढ़ेंगे या कम होंगे उस बेसिस पे हमारी जो डिमांड फॉर मनी है वो कैसी रहेगी इफ पीपल बिलीव दैट प्राइज इन फ्यूचर विल फॉल अगर जो प्राइस है वो फ्यूचर में फ्यूचर के प्राइस की बात हो रही है अगर वो गिर जाते हैं देन दे विल स्पेंड लेस इन प्रेजेंट क्योंकि उन्हें पता है कि फ्यूचर में प्राइस कम होने वाले हैं अगर हमें पता चल जाए किसी भी चीज का फॉर एग्जाम्पल गोल्ड हमें पता चल जाए कि गोल्ड जो है वो फ्यूचर में सस्ता होने वाला है उसकी जो प्राइस है वो गिरने वाले हैं तो हम प्रेजेंट में गोल्ड को परचेज करेंगे नहीं करेंगे क्योंकि हमें यह पता है कि आने वाले टाइम में प्राइस कम होंगे तो हम फ्यूचर में खरीद लेंगे आज क्यों खरीदे महंगी चीजें हम खरीदना प्रेफर नहीं करते हैं हम क्या सोचेंगे चल फ्यूचर में खरीद लेंगे आज हम नहीं खरीदेंगे तो यहां पर हम अगर खरीदना नहीं चाहते तो हमारी जो डिमांड फॉर मनी होती है फॉर द प्रेजेंट टाइम इज इंक्रीज क्योंकि हमारा जो भी पैसा था उसको हमने कहीं भी इन्वेस्ट नहीं किया दैट मीन्स हमने कोई भी प्रोडक्ट नहीं खरीदा तो हमारा जो पैसा है वो हमारे पास ही है हमने होल्ड करके रखा है अपने पास इफ पीपल बिलीव दैट प्राइस इन फ्यूचर विल बी फॉल अगर प्राइस जो है फ्यूचर में गिर जाएगा देन दे विल स्पेंड लेस इन प्रेजेंट तो प्रेजेंट में हम नहीं खरीदेंगे उस चीज को जो जिसका प्राइस हमें पता है फ्यूचर में गिरने वाला है लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन भी आती है कि आपको वो चीज अगर necessarily चाहिए ही चाहिए है तो आप price नहीं देखोगे price वहां देखा जाएगा जहां पर आपको जरूरी नहीं है उस चीज को उसी वक्त खरीदना अगर आप अपनी जो डिमांड है उसको पोस्टपोन्ड कर सकते हो तो ही ये कंसेप्ट आपको फॉलो होगा अदरवाइज नहीं होगा जो भी अमाउंट है वो हम स्पेंड नहीं करेंगे और उस कैश को हम अपनी जेब में ही होल्ड कर लेंगे तो जेब में अगर होल्ड कर लेंगे तो डिमांड फॉर मनी का मतलब यही है कि हमारे पास कितने पैसे हैं तो वो पैसे हमारे पास इंक्रीज हो गए क्योंकि हमने कोई स्पेंडिंग की ही नहीं हमने कोई एक्सपेंडिचर नहीं किया ऑन द कंट्रीरी दूसरी तरफ अगर हम देखें इफ पीपल एक्सपेक्ट राइज इन प्राइस कहते हैं कि जो फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाले हैं फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाले हैं फॉर एग्जांपल गोल्ड अगर हम लगाएं कि आज का कोई भी प्राइस है तो उसमें अगर गोल्ड के प्राइस इन फ्यूचर और भी ज्यादा बढ़ने वाले हैं तो हमें पता है कि फ्यूचर में बढ़ेंगे तो भाई आज ही खरीद लो आज ही खरीद लो मतलब की परचेज गुड्स इन प्रेजेंट आज ही खरीदेंगे तो हमारा जो पैसा है वो किस में इन्वेस्ट हो गया गोल्ड में इन्वेस्ट हो गया हमारे पास कैश नहीं बचा तो कैश कम होना तो उसको हम क्या बोलते हैं डिमांड फॉर मनी इज रिड्यूस यहां पर जो फ्यूचर में प्राइस थे वो बढ़ गए थे जिससे डिमांड फॉर मनी जो कि प्रेजेंट सेंस की हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट में जो डिमांड फॉर मनी है वो कम हो जाएगी क्योंकि आज ही हम प्रेजेंट में ही हम उस प्रोडक्ट को खरीद लेंगे क्योंकि फ्यूचर में महंगा होने वाला है तो यहां पर दोनों ही केसेज में आप एक रिलेशनशिप इसका देखो कि प्राइस जो एक्सपेक्टेशन है प्राइस चेंज होने के और डिमांड फॉर मनी के वो पॉजिटिव रिलेटेड है या नेगेटिव रिलेटेड है ये यह देखो यहाँ पर जो है वो नेगेटिव साइन जा रहा है दैट मीन्स एक जो चीज है वो कम हो रही है और दूसरी चीज ज्यादा हो रही है तो दैट इज नेगेटिव रिलेटेड नेक्स्ट केस देखो नेक्स्ट केस क्या कहता है दैट इज इंक्रीज एंड दैट इज डिक्रीज तो ये भी क्या है नेगेटिव रिलेटेड है द नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस चेंज एंड द डिमांड फॉर मनी नेक्स्ट पॉइंट इज सिस्टम ऑफ पेमेंट सिस्टम ऑफ पेमेंट क्या कहता है कि जब भी आप किसी प्रोडक्ट को खरीदते हो तो आप पेमेंट किस वे से करते हो ऐसा कौन सा मोड आप यूज करते हो जिसके थ्रू आप पेमेंट कर रहे हो तो यहां पर जो पेमेंट के मोड होते हैं वो बहुत सारे होते हैं जैसे आप कैश में दे सकते हो या फिर आपके पास ऑनलाइन मोड होता है आपके पास डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड गूगल पे तो ये सारी चीजें हैं जिसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो तो यहां पर कहता है कि अगर आप पेमेंट कैश में करते हो तो आपके पास जो कैश है वो आपके पास ज्यादा होना चाहिए तो यहां पर कहता है कि अगर कैश की फॉर्म में आप पेमेंट करना चाहते हो तो आपको डिमांड फॉर मनी आपके पास ज्यादा होनी चाहिए दैट जो आपके पास कैश है वो उसकी होल्डिंग होनी चाहिए आपके पास कैश होना चाहिए एंड वाइस वर्सा और अगर हम इसकी रिलेशनशिप देखें तो वही है कि अगर आप जितनी ज्यादा आप कैश में पेमेंट करना चाहते हो उतनी ही ज्यादा आप, आपके पास कैश इन हैंड होना चाहिए जिसे हम मनी डिमांड बोलते हैं तो पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन द सिस्टम एंड पेमेंट एंड डिमांड फॉर मनी नेक्स्ट पॉइंट इज इनस्टेबिलिटी इन कैपिटल मार्केट हमारी जो फाइनेंशियल मार्केट होती है उसके अंदर दो मार्केट हैं फर्स्ट इज मनी मार्केट एंड सेकेंड इज कैपिटल मार्केट कैपिटल मार्केट की यहां पे बात की गई है तो कैपिटल मार्केट की जो इनस्टेबिलिटी है अगर कैपिटल मार्केट में इनस्टेबिलिटी है तो क्या होगा और अगर स्टेबिलिटी है तो क्या होगा इसको हम स्टडी करेंगे इनस्टेबिलिटी का यहां पे मतलब क्या है कि हमारे जो भी प्राइजेस uh, हैं वो अप एंड डाउन होते रहते हैं हमारी जो कंडीशन है टर्म्स हैं वो इनस्टेबल है दैट मीन्स वो अच्छी नहीं है स्ट्रांग नहीं है वो बार बार चेंज होती रहती है अगर कैपिटल मार्केट में इनस्टेबिलिटी होगी तो जितने भी लोग उस कैपिटल मार्केट से जुड़े होते हैं या जितने भी लोग स्टेक होल्डर्स होते हैं उनका जो कॉन्फिडेंस है वो हिल जाता है क्योंकि अगर हमारी जो कैपिटल मार्केट की टर्म एंड कंडीशन एंड जो सिचुएशन है वो अगर स्टेबल ही नहीं है तो कौन कैपिटल मार्केट पर भरोसा कर पाएगा तो यहां पे ये यह कहते हैं कि अगर हमारी इकोनॉमी के अंदर जो कैपिटल मार्केट है उसकी इनस्टेबिलिटी है कि वो स्टेबल ही नहीं है तो यहां पर जो इन्वेस्टमेंट होती है वो बहुत कम होती है किसमें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में जैसे कि हमारे शेयर्स हैं डिबेंचर्स हैं बॉन्ड्स हैं जो ये सारी जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है और जो लोग हैं वो अपने पास ही कैश को होल्ड करते हैं जिससे क्या बनता है कि जो अगर लोग अपने पास ही कैश को होल्ड करेंगे तो डिमांड फॉर मनी इज हाई क्योंकि लोगों के पास पैसा है खुद के जेब में ही वो लोग पैसा रख के चल रहे हैं उसे हम डिमांड फॉर मनी कहते हैं तो वो ज्यादा होगा तो यहां पे निकल के क्या आया कि अगर इनस्टेबिलिटी है तो लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे ऐसी मार्केट के अंदर तो डिमांड फॉर मनी ज्यादा होगी ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर हमारी सिचुएशन जो है वो स्टेबल है हमारी फ्लक्चुएशन कम होती है और कैपिटल मार्केट बहुत ही स्ट्रांग है तो स्ट्रांग के अंदर जो लोग हैं वो इन्वेस्टमेंट करना पसंद करेंगे और अपने पास कैश को होल्ड करके नहीं रखेंगे जिसकी वजह से डिमांड फॉर मनी मतलब कि जो कैश होल्डिंग है वो कम हो जाएगी नेक्स्ट पॉइंट इज इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स जैसे इन्होंने बोला कि इंस्टीट्यूशनल फैक्टर में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आती है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी ऑफ अ कंट्री इज द कॉम्पोनेंट ऑफ इंस्टीट्यूशनल फैक्टर तो यहां पे क्या कहते हैं कि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है अगर हमारी पॉलिटिकल सिचुएशंस जो हैं वो स्टेबल रहती हैं, ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ रहती हैं, तो लोग उस कंट्री के अंदर जो अपना पैसा है उसको इन्वेस्ट करना ज्यादा अच्छा समझते हैं और अपनी जो डिमांड फॉर मनी है उसको कम रखते हैं जैसे कि हमने ऊपर किया था वो भी सेम चीज को बोल रहा था कि अगर स्टेबिलिटी होगी तो हम अपने पास पैसा कम रखेंगे और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में डाल देंगे यहां पर भी सेम यही कह रहा है कि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अगर होगी तो हम हमारे पैसे को इन्वेस्टमेंट करेंगे जो भी इंस्ट्रूमेंट उनमें कैश को कन्वर्ट कर देंगे और हम हमारे पास पैसे को कम रखेंगे ऑन द कंट्रेरी अगर पोलिटिकल इनस्टेबिलिटी पोलिटिकल कंडीशन अच्छी नहीं है या पोलिटिकल कंडीशन बार बार चेंज होती रहती है हमें डर है कि हमारा पैसा डूब ही ना जाए किसी कंट्री में तो यहां पर जो पोलिटिकल इनस्टेबिलिटी होगी तो हम हमारे पास ही पैसा रखना प्रेफर करेंगे हम कभी भी हमारे पैसे को किसी ऐसी कंट्री के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में नहीं डालेंगे जहां की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो स्टेबल ना हो ठीक है Next is banking system. If the banking system of an economy is strong then people want to deposit their fund with bank. अगर जो बैंकिंग सिस्टम है वो स्ट्रांग होगा तो लोग अपने पैसे को बैंक में जमा करवा देंगे और अगर बैंक में जमा करवा दिया जाएगा तो हमारी जो डिमांड फॉर मनी है दैट मीन्स हमारे पास पैसा कितना रहा हमारी होल्डिंग ऑफ मनी या कैश इन हैंड कितना है वो कम हो जाएगा तो यहां पर जो मनी डिमांड है वो कम हो गई अगर बैंकिंग सिस्टम स्ट्रांग है ऑन द कंट्रेरी अगर बैंकिंग सिस्टम जो है किसी भी कंट्री का वो वीक होता है दैट मीन्स बैंक पे हम यकीन ही नहीं कर सकते हमारा पैसा डूब सकता है हमारे बैंक के जो रेट है वो कम है तो ऐसे बैंकिंग सिस्टम को वीक बैंकिंग सिस्टम या फिर नॉट स्ट्रांग बैंकिंग सिस्टम बोल सकते हैं जिसका जो बैंकिंग सिस्टम है वो स्ट्रांग नहीं है तो यहां पर जो लोग हैं वो अपने पैसे को बैंक में रखना पसंद नहीं करेंगे तो पीपल वॉन्ट टू होल्ड देयर मनी देयर ऑन वो खुद ही कहेंगे कि हम ही अपना पैसा संभाल लेंगे कम से कम डूबने का तो डर नहीं है तो यहां पर जो बैंकिंग सिस्टम है अगर किसी कंट्री का बैंकिंग सिस्टम अच्छा नहीं है या वीक है तो लोग अपने पास ही पैसे को रखेंगे तो डिमांड फॉर मनी दैट मीन्स होल्डिंग ऑफ मनी अ पर्सन या फिर कैश इन हैंड जिसे हम बोल सकते हैं दैट इज इंक्रीज इन दैट सिचुएशन सो दैट सॉल्व फॉर टुडे आज के लिए इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक माई वीडियो एंड सपोर्ट टू माई चैनल सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर लिसन मी वेरी केयरफुली